मॉर्निंग स्टूडेंट, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 5A से फॉर क्लास 9th। चैप्टर है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फ्रॉम फ्रैंक बुक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। देखिए क्या दिया हुआ है, 4x plus 3 upon y is equal to 18, 3x plus 2 upon y is equal to 13। देखिए 4x plus 3 upon y is equal to 18, 3x plus 2 upon y is equal to 13। ठीक है ना, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। स्टूडेंट एक काम करना है, हमें x और y को कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, चाहे तो x को करें चाहे तो y को करें। ठीक है ना, एक काम करते हैं, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 4 से। देखिए 3 इंटू 4 करेंगे 12x हो जाएगा, 3 इंटू 3 करेंगे 9 अपॉन वाई, 18 इंटू 3 करेंगे 54। ठीक है ना, 4 इंटू 3 करेंगे 12x प्लस 4 इंटू 2 करेंगे 8 अपॉन वाई, 13 इंटू 4 करेंगे तो इसमें मेरा कितना आ जाएगा, 52। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मेरा क्या आया है, देखिए 9 बाई वाई। अब मुझे इस साइन को कंसीडर करना है इसको छोड़ करके, तो मेरा क्या है, देखिए 9 अपॉन वाई माइनस 8 अपॉन वाई, 54 माइनस 52 इस कितना देगा स्टूडेंट, 2। 9, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है यानी कि y है, यानी कि क्या है, y है, तो हम इसको माइनस कर देंगे ऊपर का। 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरी y की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, देखिए मेरा इतना आ गया। ठीक है ना, देखिए मेरा जो आया है वो क्या आया है, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए क्या करेंगे, y का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और ये 2 इसके डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी बाय मिस्टेक, आपको थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2, तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, तो वाई की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2। क्लियर है, अब वाई की वैल्यू हमने निकाल लिया है, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। क्या निकालना है मुझे, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें वाई की वैल्यू और फिर उसको उससे हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, पहला इक्वेशन ही चूज़ कर लेते हैं। क्या दिया है, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 18, यही दिया हुआ था स्टूडेंट। अब इसमें y की वैल्यू 1 अपॉन 2 पुट कर देंगे, देखिए क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 18। अब ये 2 स्टूडेंट मेरा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल 4x प्लस, ठीक है स्टूडेंट, 3 इंटू 2 करेंगे 6 इज इक्वल टू 18, 4x इज इक्वल टू 18, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, 4x इज इक्वल टू 18 माइनस 6 इज 12, x की वैल्यू क्या गया स्टूडेंट, 12 अपॉन 4, क्या गया स्टूडेंट, 3। ठीक है ना, तो देखिए x का वैल्यू हमने निकाला 3 एंड वाइस्ट क्या क्या आ गया स्टूडेंट, 1 अपॉन 2। क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 5 अपॉन एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 7, 3 अपॉन एक्स माइनस 2 वाई
इक्वल टू फोर, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। इसमें हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें थ्री से, टू इंटू फाइव करेंगे तो टेन अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस टू इंटू थ्री सिक्स वाई, टू इंटू सेवन इज़ फोर्टीन, थ्री इंटू थ्री करेंगे नाइन अपॉन एक्स, थ्री इंटू टू इज सिक्स वाई, थ्री इंटू फोर करेंगे ट्वेल्व, ठीक है ना। अब क्या करना है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस और प्लस माइनस कैंसिल हो गया, फोर्टीन माइनस ट्वेल्व इज टू, ये क्या हो जाएगा टेन अपॉन एक्स माइनस नाइन अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल टू टू इंटू एक्स, ठीक है ना। तो वन इज इक्वल टू टू एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन और ये टू इसके डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वन अपॉन टू, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई, वन अपॉन टू, देखिए एक्स की वैल्यू वन अपॉन टू आ गई। अब बहुत ईजिली किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए पहले में ही पुट कर दिया है, फाइव अपॉन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन, यही आया था, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू कितनी, वन अपॉन टू, पुट कर दें फाइव डिवाइडेड बाई वन अपॉन टू माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन। अब ये टू यहाँ पर आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फाइव इंटू टू माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन, फाइव इंटू टू करेंगे टेन, टेन माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन। अब इधर प्लस सेवन, इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। टेन माइनस सेवन इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो थ्री वाई हो जाएगा, प्लस में थ्री इज इक्वल टू थ्री वाई, यहाँ से क्या हो गया देखिए, वाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन थ्री वन आ गया, ठीक है स्टूडेंट। वाई की वैल्यू क्या आ गई, वन, वाई की वैल्यू यहाँ से हमने निकाला वन, एंड एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर फाइव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब इससे आगे के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।